नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमारे पीछे आप देख रहे हैं चंदीप सिंह, जो कि जम्मू की शान है, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप टैक्वांडो में सिल्वर मेडल लेकर भारत के नाम किया है। कहना कि भारत की शान, अपने देश का नाम ऊंचा किया, जम्मू कश्मीर का नाम भी ऊंचा किया, अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया। हम सलाम करते हैं इनके जज्बे को, और पहले भी हमने काफ़ी बार इनकी स्टोरीज बताई हैं आपको कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर आज इस कामयाबी के मुकाम पर हैं चंदीप सिंह। और आज इनको यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं विक्रम रंधावा, पूर्व MLC, और इनके पिताजी भी साथ हैं चंदीप सिंह जी के। चलिए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे विक्रम रंधावा जी। बात रख ले। पत्रकार बंधुओं, आज 2022 की शुरुआत में ईश्वरी कार्य से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहली जनवरी 2022, सबसे पहले मैं आप सब बंधुओं को दिल की गहराइयों से नए नववर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं, और देर रात्रि और प्रातःकाल एक दुखद समाचार भी हम सब ने सुना, देश और दुनिया में फैला कि माँ वैष्णो के चरणों में जो एक दुर्घटना वहाँ घटी किसी भी कारणों से, जिससे हमारे ही परिवारों के 12 सदस्यों ने, जिनकी जान चली गई और तकरीबन 13-14 से करीब घायल हुए हैं। जो घायल हैं, भगवान माता रानी उनको जल्दी तंदुरुस्त करके अपने परिवारों तक पहुँचाए, और जिनकी जान गई है माता रानी उनको अपने चरणों में वास दे, और उस परिवार को ये दुख झेलने की हिम्मत दे। मित्रों, जम्मू कश्मीर UT वर्तमान में हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब की अध्यक्षता में बेहतरीन तरीके से हर फील्ड में कार्यरत है। वहीं पर मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल को लेकर हमारे LG साहब बहुत गंभीर रहे हैं, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन रहा है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, उसको प्रैक्टिकल इन लेटर एंड स्पिरिट में हमारे LG श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने ना सिर्फ लागू करवाया, जबकि उसको जमीनी स्तर पर कि जम्मू कश्मीर का हर बच्चा जिसके अंदर एक टैलेंट है वो उसको बाहर निकाला जाए, और यकीनन उसके लिए जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है वो बेहतरीन तरीके से कार्यरत है। चाहे हमारे एडवाइजर साहब जनाब फरूख खान साहब हों, हमारे सेक्रेटरी आलोक कुमार साहब हों, हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की जो सेक्रेटरी हैं मैडम नुजरत गुल हों, हमारे जम्मू के DSO हों श्रीमान अशोक सिंह जी, या फिर इनकी बाकी टीम हो, जमीनी स्तर पे ग्राउंड मैन से लेकर तो ऊपर तक, मैं कहूँगा कि राजभवन तक, वो विशेष ध्यान दे रहे हैं। और उसका आपने उदाहरण देखा कि हमारा जम्मू का स्टेडियम जो बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है, और इसके अलावा बाकी इलाकों में भी नए मिनी स्टेडियम्स बनाने के लिए जो काम है उनके टेंडर्स भी हो चुके हैं, और बड़ी जल्दी उनके काम भी शुरू होंगे। अलग अलग खेलों में जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको समय दर समय एनकरेजमेंट भी दी जा रही है और सम्मानित भी किया जा रहा है। और यकीनन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी कोई फर्ज बनता है, हम राजनीति क्षेत्र के भी कार्यकर्ता हैं, और हमसे भी लोगों को बहुत सी तवक्काएं होती हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल अपना काम कर रहा है, तो उसी के निमित्त आज आपके सामने हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे सन ऑफ द सॉयल जम्मू का एक हमारा शूरवीर गुरु गोविंद सिंह जी का सुपुत्र सरदार चंदीप सिंह, जो वो एक ऐसा नाम है जो किसी भी प्रशंसा के लिए का मोहताज नहीं है कि मेरी प्रशंसा कोई करे। उस नाम के साथ ये कितना बड़ा उल्लेख हो जाता है कि देखने वाला या सुनने वाला तो एक बार तो स्तंभ रह जाता है कि ईश्वर ने कितनी ताकत वाहेगुरु ने इस व्यक्ति में बख्शी है कि छोटी सी आयु में और 10-12 वर्षों में जिस भी खेल में ये गया उस खेल में उत्तीर्ण, जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन किया। और अब जीवन का घटनाक्रम तो उसका बड़ा दुखदाई है, बड़ा अच्छा होनहार बच्चा है, पढ़ने में लिखने में भी होशियार था, लेकिन अगर कहीं पर कुछ हुआ तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, पढ़ाई में भी अपने आप को अव्वल और खेल में भी
बेहतरीन ड्राइविंग करता है। मैंने अब इनकी ड्राइविंग देखी तो मैंने अपने आप पे मुझे संदेह हुआ कि क्या तुम विक्रम रंधावा ऐसी ड्राइविंग कर सकते हो। हम अपने आप को संपूर्ण मानते हैं और मैं दिल से कहूं तो मैं शायद कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हूं, लेकिन मैं अगर एक कंप्लीट मैन किसी में देखता हूं तो वो मैं चंदीप में देखता हूं कि वो 16 कला संपन्न है, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। हम किसी तरीके से भी ये शब्द जब समाज में इस्तेमाल होता है हैंडीकैप, तो एटलीस्ट मेरे जैसा व्यक्ति तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है कि हैंडीकैप या मेंटली हैंडीकैप लोग तो कहीं वो है जो पूरे हैं, शरीर से दिमाग से भी पूरे हैं, लेकिन दिखते कुछ और ही हैं। लेकिन संदीप ने एक मिसाल कायम की है, जम्मू कश्मीर का, भारत का नाम रोशन किया है। पिछले दिनों इस्तांबुल टाइक्वांडो में, टर्की में एक पैरा टाइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई। शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता होगा वहां टर्की में बैठा हुआ भी कि जम्मू कश्मीर का एक बच्चा भारत का नाम रोशन करेगा। और बाकी खेलों की तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगर मैं चंदीप की खेलों के बारे में आपको बताऊं तो एक लंबी लिस्ट हो जाती है। जो एक जो व्यक्ति पूरा शारीरिक मानसिक तौर पर फिट भी हो तो वो भी शायद वो अचीवमेंट्स हासिल ना कर पाए जो चंदीप ने इस व्यवस्था में भी अपने आप को फिट किया है। तो मैं यकीनन चंदीप को भी बधाई दूंगा, चंदीप के माता पिता जी को बधाई दूंगा जिन्होंने यकीनन गुरु की इस महिमा के आगे अपने आप को झुकाया कि जो गुरु ने हमें आज्ञा दे दी है उसका पालन हमने करना है, कोई बात नहीं। तो आज हमने एक छोटे से कार्यक्रम में मन को यही था कि सम्मानित करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आप सबके माध्यम से हमारा छोटा भाई चंदीप, क्योंकि मीडिया सही मायने में एक सही आईना है और एक उपलब्धि को कहां तक वो पहुंचाया जा सकता है वो शायद हमसे ज़्यादा मीडिया जानता है। और जैसे मैंने कहा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स काउंसिल भी परस्यू करता है, बच्चों को बढ़ावा देता है, तो यकीनन हमारा भी एक रोल है और आपका भी एक रोल है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आज का सम्मानित होने का कार्यक्रम इतना हाईलाइट हो या ना हो, लेकिन चंदीप की जो उपलब्धियाँ हैं वो यकीनन सोशल मीडिया पर आप इतनी वायरल कीजिए, इतनी चलाइए कि हमारी केंद्र की सरकार, जहाँ तक हम भी बात पहुँचा रहे हैं, उनको भी एहसास हो कि हमारी जम्मू कश्मीर का एक सन ऑफ द साइल ऐसा भी है जो शायद कहीं लुप्त रह गया है और उसको ठीक जगह पे हमने पहुंचाना है। तो अभी हम पहले चंदीप जी को मोमेंटो एक छोटा सा देके सम्मानित करेंगे, उसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स को लेकर जो जम्मू के गाइड हैं DSO जम्मू अशोक सिंह जी, आज हमने उनसे निवेदन किया क्योंकि आपका शिक्षक है, शिक्षार्थी है ये, आप इसके शिक्षक हैं, तो यकीनन आप भी अगर साथ में आशीर्वाद देंगे तो बच्चे का भी मनोबल बढ़ेगा। तो अशोक सिंह जी को भी हमने निवेदन किया था कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए। हमारे साथ हमारे विशाल गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्पोर्ट्स सेल है जो खेल के गतिविधियों पर मदर नजर रखता है, उसके हमारे स्टेट के को कन्वीनर है, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। इसके अलावा चंदीप जी के पिताजी हैं, चाचा जी हैं और मेरे छोटे भाई हैं जो हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल से हैं। और यकीनन एक बड़ा अच्छा प्रयास हमने किया है ताकि आपके माध्यम से चंदीप जी की उपलब्धियां जो है वो ठीक जगह पे पहुंचाई जाए। गॉड्स गिफ्ट टू यू, ठीक है, छोटा यह तोहफा फॉर योर अचीवमेंट टूवर्ड्स द गेम एंड स्पोर्ट्स पर्सन। आप कुछ चंदीप जी से जानना चाहते हो, अशोक सिंह जी से जानना चाहते हो तो आप जरूर जानिए, इनसे भी पूछिए ताकि स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको कुछ और जानकारी मिले। बैठो चंदीप जी,
चंदीप जी क्या कहना चाहेंगे, आपने देश को गौरवान्वित किया, जम्मू कश्मीर को, अपने माता पिता को गौरवान्वित किया, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि आप एक मिसाल हैं जो अपनी कमजोरी को अपनी नाकामी के कहीं ना कहीं बनाकर बैठ जाते हैं, पर आपने अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर आज कामयाबी की इस तरह की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, क्या कहेंगे उन सब जितने भी या युवा हों या किसी भी एज में, कभी भी आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने आप पे बिलीव रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके साथ कुछ भी हो जाए लाइफ में, यू डोंट हैव टू स्टेप बैक, अगर आप स्टेप बैक करते भी हैं, जस्ट स्टेप बैक टू बाउंस बैक, कि आप वापस उस डबल बाउंस से वापस आएँ, कि आपका जो सक्सेस है, जो आपकी स्टोरी है, वो किसी और को इंस्पायर करे लाइफ में कुछ और अच्छा करने के लिए। तो अगर किसी के साथ कुछ हादसा या कुछ भी हो जाता है जनरली, अगर ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ कुछ ना कुछ हो, और या कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि नहीं अभी हमसे नहीं हो पाएगा, बट उस वो ही टाइम होता है जब आपको उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, उसमें और काम करने की ज़रूरत है। तो बस वही चीज़ है कि जितना काम उस चीज़ पर आप करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, उतनी जल्दी आप सक्सेस तक पहुँच पाएंगे। आप यही कि अगर फेलियर आपकी लाइफ में आ रहा है तो मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो बेटर है कि जब फेलियर्स आते हैं तो अपनी थोड़ी तैयारी और बढ़ाइए कि आगे जाके आप सक्सेस हासिल कर सकें। क्या कहेंगे आज विक्रम रंधावा जी जो पूर्व MLC भी हैं, उन्होंने रह चुके हैं, उन्होंने आपके लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से एक निवेदन भी किया, क्या कहेंगे इनके लिए? सबसे पहले मैं विक्रम सर को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के ऑनर किया, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन सबसे ज़्यादा एक अप्रिसिएशन के लिए उसकी सबसे ज़्यादा भूख होती है कि अगर अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, अपनी स्टेट के लिए कुछ कर रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो सबसे थैंक यू करना चाहूँगा, बड़ी खुशी होती है जब भी कोई ऐसे बुला के ऑनर करता है, इट रियली फील्स वेरी गुड। देखिए हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि विक्रम रंधावा पूर्व MLC जिन्होंने, आज चंदीप सिंह जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टेक्वांडो में सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश का नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, और कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन तो बनता है। इसी सिलसिले में आज उन्हें केंद्र सरकार से भी गुहार लगे कि इस तरह के हमारे जो प्लेयर हैं, इस तरह के हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको ज़रूर मदद मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में एक नहीं कई ऐसे इवेंट्स हों जिसमें वो भारत का नाम रोशन करें। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।